अगर आप सभी अपने पैसे को निकालने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारा इंडिया परिवार हम आपको जो है डिजिटल माध्यम से भी आपको पैसा पेमेंट कर सकेगा। अभी क्या है कि सारा इंडिया परिवार और सेबी का केस चला है सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने सारा इंडिया परिवार की स्कीम्स में अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है और वो समय के साथ मैच्योरिटी अमाउंट का अच्छा खासा हो चुका है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी अमाउंट। समय के साथ उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार उनका प्रिंसिपल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिलकर के उनका मैच्योरिटी अमाउंट ठीक ठाक अच्छा खासा हो चुका है। तो सारा के परिवार में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे के लिए परेशान हैं और वो सभी जो है सारा ने परिवार में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो निकालना चाहते हैं। तो सारा रिफंड मनी 2023 निकालने के लिए आपको संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए हैं के माध्यम से आप निकाल सकेंगे कि मतलब पहले आपको सेबी से आपको क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो सेबी से कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी ऑफिशियल साइट यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं, आपको सारा इंडिया पे पैसे फंसे निकालने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जिसके बाद सारा इंडिया में फंसे पैसे निकालने में 2023 ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपको के सामने एक नया पेज खुलेगा, उसमें पर्सनल डिटेल्स को फिल करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, फिर आप सभी दस्तावेज अपने अपलोड करें जो सारा इंडिया परिवार से संबंधित है, जिसके बाद आप सभी के सामने रिसीविंग देखने को मिलेगा, ठीक है, रिसीविंग देखने को मिलेगा और उस रिसीविंग को आप जो क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तथा प्रिंट निकाल के रख भी सकते हैं अपने पास। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक लीजिए।